हेलो हेलो फ्रेंड, फ्रेंड। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, बहुत बढ़िया खुशबाश होंगे। तो फ्रेंड, आज हम एक और न्यू वीडियो के साथ आए हैं। यार, वीडियो तो रिक्वेस्टेड वीडियो है ये जो हम लेके बिल्कुल, आए। इसका पार्ट वन हम पहले बना चुके हैं, ये पार्ट वन पार्ट हम टू पहले है। बना चुके हैं, लेकिन उस जब हमने पार्ट वन बनाया तो काफ़ी सारे व्यूज़ उस पर और काफ़ी सारे कमेंट भी हमें आए। और जो रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि यार आप इसके पार्ट पार्ट टू टू पे के भी जो बाद है वीडियो बनाए, तो इस रिएक्शन वीडियो दें। का जो टाइटल है वो है इमर्जिंग इंडिया टॉप टॉप 10 नहीं, इमर्जिंग इंडिया टॉप थिंग्स वेयर इंडिया इज़ वर्ल्ड लीडर पार्ट टू। पार्ट तो टू। यार देखते हैं कि पार्ट वन में तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी और वाकई में लगा था सच में कि इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और बहुत बिल्कुल, अच्छी डेवलपमेंट्स हैं इंडिया में। तो तो यार अभी पार्ट देखते टू हैं में पार्ट देखते टू में। हैं कि कोई अगर चीज़ें रह गई तो वो आज देख लेते हैं हाँ, पार्ट यार। टू में देखते तो उससे हैं। पहले बता दें कि मेरा नाम इकराम और मैं खान हूँ है। इस्लाम खान। तो आप लोग तो देख रहे हैं इकराम। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो और शेयर शेयर कर भी दें। किया करें। तो लेट्स स्टार्ट। टॉप थिंग वर इंडिया इज वर्ल्ड लीडर। हाँ, ये पुल बन रहा है। शायद ऐसे ही लग रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड हाईएस्ट आर्च ब्रिज। यार बिल्कुल, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज बन रहा है, चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज नाम है इसका। स्ट्रक्चर इज मेड यूजिंग स्टील एंड कंक्रीट। स्टील और कंक्रीट का बन रहा है। अच्छा, हाँ ये स्टील बहुत मजबूत, यूज़ होता है इंडिया में ना। हाँ हाँ, मजबूत, तभी ये ब्रिज काफी मजबूत है इंडिया। वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रेन्स आर बीइंग यूज्ड। सबसे बड़ी वर्ल्ड की क्रेन भी यूज़ हो रही सबसे है। ऊंचा भी तो है, बड़ा भी तो है, वाह यार, इतना खूबसूरत बनेगा ये। 359 किलोमीटर ओ मीटर। मीटर। जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे कितना। काफ़ी स्पेशलिस्ट होंगे ना। ब्रिज विल फैसिलिटेट इंडियन रेलवेज टू कनेक्ट बक्कर जम्मू एंड कश्मीर, कुरी इन जम्मू कश्मीर। कुरी ट्रेन जो है ये वहाँ तक जाएगी। तो यार कितना ज़बरदस्त है ना। इंडियाज अमंग टॉप नेशन दैट रिसीव हाईएस्ट इनफ्लो है। 64 बिलियन डॉलर। ज़बरदस्त है यार। वर्ल्ड लार्जेस्ट कैंपस इन हैदराबाद। अमेजोन ओपन। अमेजोन वाले बना अमेजन रहे को ओपन किया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट कैंपस। यार इसका मतलब है कि इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट है फिर अमेजोन के लिए, है ना। तभी इधर से इतना बड़ा किया है। विद वर्किंग कैपेसिटी ऑफ 15,000 एम्प्लॉयज। 15,000 एम्प्लॉयज होंगे अमेजोन में। यार ये तो सच में बहुत हैरानकुन बात है यार। इंडिया में सबसे बड़ा अमेजोन का दफ्तर, दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी है ना हाँ, जो। सबसे बड़ा ऑनलाइन बिजनेस ही अमेजोन पे होता है ना वर्ल्ड में। एप्पल इज आई 1 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट। एप्पल भी 1 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है यार। अच्छा, बहुत बड़ी कंपनीज आ रही हैं इंडिया में, है ना। इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है भाई। हाँ, सैमसंग हैज़ ओपन वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन नोएडा। नोएडा सिटी जो था यार, नोएडा तो ये भी बहुत ग्रेट न्यूज़ है यार। काफ़ी हैरान कौन है ये भी, है ना, कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जो है ऑफिस यहीं पे ओपन हो रहे हैं। क्लोज आर यूनिट्स इन चाइना स्टार्टेड मैनुफैक्चरिंग। ये कब की न्यूज़ है यार। ये सैमसंग तो क्लोज कब हुआ? नहीं, वो चाइना में इसने अपने सारी वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्लोज हाँ करके बिल्कुल, इंडिया में आ रहे ये हैं। अभी अमेरिका में मेरे कुछ प्रॉब्लम चली वर्ल्ड थी। लार्जेस्ट फिल्म सिटी इन इंडिया। वर्ल्ड लार्जेस्ट फिल्म सिटी जो हाँ बड़ी सबसे है, लेकिन हैदराबाद में बन रही है, पता नहीं ये बन रही है ना। ये पार्क है कोई ओल्ड की। कितना ये खूबसूरत हाउस हाउस है यार, है ना। जबरदस्त, ये हॉस्पिटल है ना, बजाज हॉस्पिटल लिखा हुआ था या कुछ इसी ये तरह पता बजाज जो नहीं। बाइक्स भी हैं तो। कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड कोस्टलाइज्ड हाउस। ये तो उन्होंने क्या, मुकेश अंबानी का हाउस। वर्थ 2 बिलियन डॉलर। 2 बिलियन डॉलर इसका तो हमें पता है। वो व्यू जो उसका एरियल व्यू काफ़ी खूबसूरत है ना। हल्की है, बहुत बड़ा कोई बिल्डिंग है बहुत ना। ऊंचा और बहुत ऊंची बिल्डिंग है। कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर फ्रंट इन हेरिटेज सिटी ऑफ अहमदाबाद। वाह यार, इतनी डेवलपमेंट।
नहीं जबरदस्त, हैरान कौन लॉन्ग 10 किलोमीटर लॉन्ग है यार, ये तो काफ़ी ज़्यादा है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड एट $12 बिलियन, कितना खूबसूरत लगता होगा ना रात को, नाइट व्यू जबरदस्त। बिल्डिंग वर्ल्ड फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज 2 की काफ़ी फास्ट थी, इनके पास भी है। क्या और टॉप 3 फास्टेस्ट एक्सचेंज और इंडिया, और कि टॉप 3 जो फास्टेस्ट एक्सचेंज है ना वो इंडिया में BSE, BFC और इंडिया INX। वैक्यूम चैम्बर वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन टेस्ट साइट, ये कुछ समझ नहीं आया। न्यूक्लियर फर्स्ट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग जेंट एल 3800 टन स्टील यूज टू मेक क्रस्टेड। यार सच में बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट है यार, है ना, और कितनी खूबसूरत लग रही है। स्टील बहुत यूज होता है यार इंडिया में, सबसे बड़ी फैक्ट्रीज भी हैं स्टील की। वो जो बड़े थे कौन थे वो जिनकी स्टील नाम हिंदुजा फैमिली की, हिंदुजा फैमिली थी स्टील की शायद। इंडस्ट्री लगी हुई है कंट्री, इतनी डेवलपमेंट है यार। मैन्युफैक्चरिंग रेल कोचेस, अच्छा रेल कोच भी इंडिया खुद बना रहा है। वैसे इंडिया बहुत सारी चीज़ें खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, अभी बहुत फास्ट हो गया। पिछले कुछ अरसे से ना बहुत फास्ट है। इंडियाज़ लार्जेस्ट रेल कोच मैन्युफैक्चरर, जबरदस्त है यार, और क्या चाहिए इंडिया को, है ना। इंडिया वैसे भी अभी काफ़ी, इंडियाज़ लार्जेस्ट रेल कोच मैन्युफैक्चरर, अच्छा वैसे भी ट्रेन सिस्टम इंडिया का बहुत बड़ा और बहुत ज़बरदस्त है ना, इनको रेल चाहिए अभी काफ़ी। विद प्रोडक्शन ऑफ 2919 कोचेज आई ईयर, बहुत ज़्यादा कोचेज बना रहे हैं, तकरीबन 3000 पर ईयर में। ये बार एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट तो करते होंगे। इंडिया ICF लोकेटेड इस चिनाब हैज रिकॉर्ड्स ऑफ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग रेल सर्विसेज, ओह काफ़ी खूबसूरत है यार। ICF is known to provide cheapest semi-high speed train like train 18 with high standard. हाँ ये बहुत ज़बरदस्त वो प्रोजेक्ट है ना, काफ़ी सस्ती जो है ना उन्होंने बनाई है ये ट्रेन, और ट्रेन 18 जो थी। इंडिया आल्सो प्रोड्यूस चीपेस्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन विच इज एक्सपोर्टेड वर्ल्ड वाइड। नहीं यार ये कब हो, वो विदाउट ड्राइवर होगी यार ये तो ट्रेन, मेट्रो जो होगी और एक्सपोर्ट भी करेगा यार वर्ल्ड वाइड। इंडिया मेट्रो ट्रेन आर कंसीडर्ड अमंग सेफेस्ट, इस तरह बनती है, प्लांट इंडिया में ही है ना। ये भी हाई बॉडी तैयार हो जाए, इंजेक्शन जो लगे। इंडियाज मेट्रो ट्रेन आर कैपेबल ऑफ रनिंग मोर देन 140 किलोमीटर, अच्छी स्पीड है ना, इतनी होनी चाहिए पाकिस्तान की सबसे हाई स्पीड, इतनी 140।
साफ कर। ऑस्ट्रेलिया हैज बिकेम फर्स्ट इम्पोर्टर ऑफ इंडिया ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम। ऑस्ट्रेलिया खरीद रहा है यार इंडिया से ड्राइवरलेस जो मेट्रो है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया खुद कितना डेवलप हुआ है ना। मॉरिशियस इज गोइंग टू बी सेकंड इंपोर्टर ऑफ ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम। इसके बाद मॉरिशियस वाले भी खरीदेंगे यार, कितनी खूबसूरत बनाई है वे। एंड हो यार, इतना ज़बरदस्त डेवलपमेंट है कि क्या मैं बताऊँ आपको, हम इतने हैरान हुए हैं ना काफ़ी सारी चीज़ों से, खासकर वो बहुत फास्ट हो चुका है यार कुछ अर्से में। हमें अंदाज़ा नहीं था यार इतना ज़्यादा फास्ट हो चुका है। गवर्नमेंट में आके तो ये इंडियन ने जो दो रुपये चार पाउंड आ गए बिल्कुल। और वैसे अगर देखा जाए ना तो यार इन सब बातों पे हम क्या कहें, हमारे पास मतलब इतने अल्फाज नहीं जितनी इनकी डेवलपमेंट है। इन सब बातों में सिर्फ एक ही हम जवाब दे सकते हैं यार, अगर ये सब चीज़ें इंडिया में होगी ना उसके बाद पूरा वर्ल्ड जो है वो इंडिया की तरफ आएगा। बिल्कुल, ये इंडिया बहुत जल्द जो है वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट वो बनने वाले इकोनॉमिक बनने वाले। बिल्कुल, और अगर देखा जाए ना तो जो इनका जो वीडियो का टाइटल था ना टॉप थिंग वर इंडिया वर्ल्ड लीडर, तो ये मेरे ख्याल से यार ज़बरदस्त है, बिल्कुल 100% सही है ये टाइटल। तो यार जो सैमसंग वाले चाइना से ख़त्म करके वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है सैमसंग वो इंडिया में ला रहे हैं, ये तो हमने आज लेटेस्ट न्यूज़ ही सुनी है। कुछ अमेरिका है, वो चाइनीज से कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसने वहाँ से मेरे ख्याल शिफ्ट कर दिया। सैमसंग अमेरिका की कंपनी है? हाँ, अमेरिकी कंपनी सैमसंग। अच्छा, मुझे नहीं पता था, वैसे शायद ये वजह भी हो सकती है, लेकिन अगर ये वजह भी है तो फिर भी यार बहुत बड़ी बात है ये इंडिया के लिए। देखो ना वो अमेज़न का जो इतना बड़ा ऑफिस, और अमेज़न वाले जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है ऑफिस वो इंडिया में बनाने जा रहे हैं 15,000 एम्प्लॉयज़ के साथ। इसका मतलब कि इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है, सभी लोग यहाँ पे जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत इंडिया में जो है काफ़ी मतलब अट्रैक्शन वाली मार्केट है, लोग इस पर बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडिया में आना चाहते हैं, तो ये इंडियंस के लिए तो इतनी प्राउड वाली बात है ना कि यार क्या बताएं, बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं वो इंडिया के लाफ आर्डर भी काफ़ी जो है ना अच्छा है इस वक्त, इसीलिए इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में। हाँ, और उनको जो है ना बिजनेस के लिए जो है, मैंने सुना था कुछ टाइम पहले कि इंडिया में जो है ना बिजनेस के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होती थी वो इतनी ईजी कर दी गई है ना कि कोई भी जो है अपना बिजनेस वो बहुत ईजीली स्टार्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें ही होती हैं कि बड़े बड़े बिजनेस मैन आते हैं, कंपनीज आती हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो कंपनी जो है ना काफ़ी अट्रैक्शन वाली होती है। तो मुझे लगता है कि इंडिया बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है और वर्ल्ड को भी ऐसे ही चलना चाहिए। बिल्कुल, तभी मेरे ख्याल से ये काफ़ी फास्ट हो चुका है, इन्हें कुछ अर्से में फास्ट हुआ, पहले इतना फास्ट नहीं था इंडिया। हाँ, ये बात है बिल्कुल, ये चीज़ें हमने पहले इतनी नहीं सुनी थी जितनी अभी सुनी है। तो यार वैसे हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहेंगे यार आप इंडिया बिल्कुल आप इंडिया को कम अज़ कम जो है फॉलो करो यार, अगर आप खुद कुछ काम नहीं कर सकते उनको कॉपी कर लो, देख तो लो, कुछ खुद तो बना लो। अभी कुछ हद तक इमरान खान आए तो उन्होंने किया है कुछ ना, उन्होंने कुछ किया, लेकिन उनकी डेवलपमेंट अभी, हाँ बिजनेस के लिए डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने तो बहुत ईजी की है ये बात है, लेकिन उनकी डेवलपमेंट अभी बहुत स्लो है यार, उस तरह स्पीड से नहीं है, काफ़ी पाकिस्तान पीछे है इंडिया से, खासकर काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है खासतौर पर पाकिस्तान में जो है ना। मेरे ख्याल से कोई इतनी चीज़ें खुद मैन्युफैक्चर नहीं हो रही जितनी इंडिया में हो रही हैं, बाइक्स हो रहे हैं, गाड़ियाँ हो रही हैं, ये मेट्रो जो अभी ये बना रहे हैं वो खाली मेट्रो बना के वो अपने लिए यूज़ नहीं कर, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है इतना डेवलप कंट्री है तो वो इंडिया से परचेज कर रहा है, कितनी बड़ी बात है, तो ये इंडियन के लिए काफ़ी जो है। हाँ, और मॉरिशियस जो है वो भी अब सेकंड इंपोर्टर होगा, वो भी ड्राइवरलेस मेट्रो बना रहे हैं। बिल्कुल यार, ये भी काफ़ी एक अच्छी जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई। लास्ट के 3-4 मिनट ये मेट्रो ही दिखाई गई, मेरे ख्याल से इंडिया ने मेट्रो में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है ना। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ये लगता है, वैसे भी इंडिया में स्टील बहुत यूज़ हो रहा है, उसकी वजह शायद ये कि इंडिया में स्टील बहुत ज़्यादा है या वो स्टील से अच्छा मतलब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एक जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो पुल बना रहे हैं ना, ब्रिज जो है वो मेरे ख्याल कश्मीर का इलाका है कोई ऐसा, तो हाँ वो कश्मीर को जो मिलाता है तो वहाँ पे वो बना रहे हैं, तो वो वहाँ पे ट्रेन भी जाया करेगी, ये भी बहुत मेरे ख्याल से इनके इसलिए वो कर रहा है कि वो सब सिटी से मेट्रो बस लाएगा ना, मेट्रो ट्रेन लाएगा, तो इसलिए खुद ही पहले ब्रिज वगैरह बना रहा है, हर चीज़ बना रहा है, उसके बाद जो मेट्रो चलाना उस पर बहुत आसान हो। तो यार ये इतनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें जो अभी हमें जहन में नहीं आ रही, लेकिन जब हमने देखी तो काफ़ी हैरान हुए थे हम। तो सैमसंग वाली यार खबर मेरे लिए बहुत हैरान कन थी। उसके बाद जो एप्पल है अमेरिका का, वो भी इंडिया में $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, तो आईटी सेक्टर में इंडिया कितना आगे है, वैसे ही बहुत आगे है वही ना। तो सच में यार बताएं तो हमें बहुत अच्छी वीडियो लगी, काफ़ी खुशी है कि इंडिया इतना ज़बरदस्त जो है डेवलप कर रहा है अपने आप को, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट है। तो हम फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहेंगे यार आप भी कम अज़ कम कॉपी करके इसको तो देख लो, कुछ करो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत पीछे रह गए इन सब चीज़ों से ना, हर चीज़ इम्पोर्ट ही करता है यार, अपने खुद तो बना लो कम अज़ कम कुछ ना कुछ। कम है पाकिस्तान की बिल्कुल।
तो तभी मेरे ख्याल से इंडिया जो है ना वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा जा रहा है। बिल्कुल, और डेवलपमेंट भी इतनी अच्छी हो रही है इंडिया में, इतने बड़े बड़े जो है बिल्डिंग्स बन रही हैं, इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और सब ग्लासेस का उस पर काम है, मतलब बहुत स्टाइलिश तरीके से काम हुआ है। सोसाइटी को रखा है सामने, उसके बाद कॉपीज कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, जैसे दुबई में बनती है बिल्डिंग वैसा ही। बिल्कुल, तो यार वैसे हमें वीडियो बहुत मजे की लगी, अब हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसकी जो है पार्ट 3 पे लेके आए। पार्ट 1 में हमें इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, जो पार्ट 2 में हमें मिली है यार, ये देख के तो हम बिल्कुल ही हैरान हो गए यार। एक अभी इतना कुछ जो है इंडिया बना रहा है, तो सब रेडी है, पार्ट 3 भी आने वाला है बहुत जल्द, बहुत जल्द आएगा। तो यार हमें काफी ये रिक्वेस्टेड भी थे, शायद इसीलिए थे कि इसमें डिटेल ज्यादा है। बिल्कुल, तो फ्रेंड हम जल्दी आएंगे पार्ट 3 के साथ, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें। खुदा हाफिज़।